नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में मेरे। और आप लोग कैसे दोस्तों? आशा करती कि बहुत अच्छे होंगे। और नमस्कार हमारे सभी प्यारे दर्शकों को। हाजिर है फिर से 8 बजे, रात के 8 बज रहे हैं। अभी हम दोनों खाली हुए हैं। अभी हमने देखिए यहीं साथ में मिलके चाय पिया, और ऐसे ही किस छोटे से टॉपिक पे हमने कहा आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता हम लोगों को। और सबसे बड़े हम बात करेंगे आप लोगों से। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे समाज में किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है या कुछ अच्छा ठीक ठाक से कमाने लगता होगा, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो घर से या गांव से थोड़ी सी दूर पर या घर से बाहर दूर पर कहीं, या तो कहीं रोड पर या तो कहीं शहर में एक मकान बनवाता है, और सबसे पहले अपने परिवार को वो उस माहौल से दूर ले जाता है, गांव से दूर ले जाता है। पता क्यों? क्योंकि इस माहौल में रह कर परवरिश अगर होगी उनकी, तो वही सब बच्चे सीखेंगे जो कि गांव में होता है। आपको पता ही होगा कि गांव का माहौल कैसा होता है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पूरे समाज को गंदा करते हैं, ठीक है, और वो अपनी परवरिश अच्छी ढंग से परवरिश करने के लिए वो गांव को उसको छोड़ना पड़ता है। और आजकल कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जो कि हूबहू वही वही चीज़ लाकर यूट्यूब पर परोस परोस रहे हैं, रहे हैं। वही गाली, वही अश्लीलता, वही अभद्रता, वही सब कुछ। कुछ भी नहीं बदला उनमें, बस सिर्फ वही क्या है, माध्यम बदला है कि जैसे पहले झगड़ा गांव में होता था, लोग देखते थे, अब वही झगड़ा वो डायरेक्ट ऑन कैमरा करते हैं। वही अभद्रता, वही अश्लीलता, वही सब कुछ सेम टू सेम। और बस गांव, अंतर पता, इतना। ऐसे हाँ लोगों से गांव में दूर रखा जाता था, है हाँ ना, इसीलिए लोग गांव को छोड़कर, गांव से हटकर अलग मकान बनाकर रहते हैं। हाँ बताओ क्या कह रही। मैं कहना चाहती हूँ इसी के, मतलब पहले तो मोबाइल नहीं था, तो जैसे गांव वाले सुनते थे गाली वाली, और इसी तरीका से मोबाइल पे, मतलब अब जब मोबाइल हो गया तब मोबाइल पे चालू हो गए हैं गाली देना एक दूसरे को। तो क्या गाली देना भी तो एक अश्लीलता के खिलाफ होता है। जाने दो, अगर हम सब ये सब कहेंगे तो हम ये चापलूसी करते हैं हाँ किसी ये की, तो सही। ठीक है। अगर आप किसी का नाम लेंगे तो ये चापलूसी होती है। चापलूसी तो बिल्कुल। दोस्तों, अगर ये चापलूसी है तो ये चापलूसी हम करेंगे, हम जरूर ये चापलूसी करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए घातक। और आपको हम बता दें कि YouTube ने इसके लिए भी अलग से नियम बना रखा, कम्युनिटी गाइडलाइंस इसकी होती है। अगर गाली अभद्रता का प्रयोग करता, गाली गलौज का, या कुछ गलत जानकारी देता हो, या कुछ ऐसा डेंजरस एक्ट होता, अभी हमने हाल ही में देखा कोई फांसी वांसी लगाने जा रहा था, तो ये सब उनके सब, मतलब इसमें उनकी इज्जत नहीं जा रही है। लेकिन अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उनमें उनकी इज्जत जाएगी, और रात के 2-2 बजे तक लोग फोन करवाएंगे कि बिल्कुल वीडियो डिलीट किया जाए। और कुछ चाटुकार ऐसे चमचे हैं जो कि उनके नाम पर चैनल भी बनाते हैं, वो भी अश्लीलता के खिलाफ देख रहा हूँ, खूब लंबा चौड़ा दे रहे हैं, कहीं हाँ सोनी सर। मोनी कर लेते हैं, तो कहीं उसका कहते हैं गोरखपुरिया गुड़िया गोरखपुरिया का लेते हैं। इसमें अगर ये सब देखने के बाद उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, ये सब उनको नहीं दिखाई पड़ता, वो तो सिर्फ दूसरों की कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, दूसरों की कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे कि हाँ कुछ गलत बोल जाए बंदा, हाँ ताकि फंसा हाँ। लिया जाए इनको जाल में, दे तब इनकी तो धज्जियां उड़ाई ऐसे जाए। ऐसे भी कुछ लोग हैं, और जो कि सरेआम कहते हैं कि हाँ हम फलाने के चमचे हैं। तो ठीक है चमचे, हम ये आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि तुम्हारी नजर में वो सब नहीं आ रहा है। नहीं वो सब कहाँ से, वो तो सब मतलब साफ सुथरा कंटेंट है चलो ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि छोटे यूट्यूबर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनकी जल रही है, हाँ जल रही है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि लेना भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसा है ना, मेरे 10 ही व्यू आएंगे ना, इज्जत से आएंगे इज्जत से आएंगे, मेरे 5 कमेंट आएंगे ना, वो भी वो इज्जत। भी इज्जत से आएंगे। तुम लोगों की तरह नहीं कि भर भर के सिर्फ गाली ही आएगी। समाज में कब तक चलोगे? जब तक तुम्हारे पास जवानी है तब तक रुपया कमा लो, फिर बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तो बच्चों से कहेंगे, बच्चे कहेंगे हाँ पापा यही सब करके तो आप कमाए हो, चलिए हम भी करते हैं वही काम, कहेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। कहेंगे चलिए हम भी वही काम करते हैं, ऐसे काम करके आप तो आगे बढ़े दोस्तों, हो। आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे क्रिएटर को आप निगलेक्ट करिए, समाज में जो कुछ अच्छा संदेश दे, पारिवारिक कंटेंट हाँ बनाए, आप उनका सपोर्ट करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छा, मतलब आपके बेशक 10 ही व्यू आए या 5 ही व्यू आए, कमेंट अच्छा है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप 1 लाख 2 लाख या 2 हजार व्यू लेके क्या करेंगे, जिसमें 100 व्यू, जो 100 कमेंट होंगे सारे गाली वाले होंगे। तो इससे अच्छा तो गाली सुनने से तो अच्छा है, गाली जो लिखते हैं जो पढ़ते हो तो गाली सुनना ही हुआ ना,
तो इससे अच्छा भैया ऐसा कंटेंट बनाओ, दो ही व्यू आए दस ही व्यू आए पर इज्जत से रहो। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो भी दर्शक हैं, मुझे तो एक दो को छोड़कर, क्योंकि जिनके कमेंट आते हैं, तो मैं ये भी देखता हूँ कि इनके कमेंट जो है अदर चैनलों पर नहीं रहते। देखते तो आप लोग भी होंगे, तो अगर आप देखते हैं, अगर आपको गलत लगता है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में आप में देखा होगा 3 डॉट होता है, आप वीडियो को रिपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट करेंगे, यूट्यूब को अगर उसकी नज़र में गंदी वीडियो होगी, गलत होगी, तो खुद रिमूव होगी। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले मार्च महीने में मैंने कम से कम 27 से प्लस वीडियो को मैंने खुद हटवाया है, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेके बनाता तो क्या कहते हैं, चापलूसी। चापलूसी है ना, इसलिए हमने देखी, वीडियो भी चलती थी अच्छी खासी, ये भी नहीं थी, 40-40 हज़ार चाहती थी, लेकिन वो हमको लेकर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो भी तो चापलूसी के दायरे में आता है, तो वो हमको नहीं चाहिए। हम तो सीधे रिपोर्ट मारते हैं, और प्रूफ के साथ अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो हम डाल के दिखा देंगे कि कितनी वीडियो को हमने खुद कंटेंट हटवाया है, यूट्यूब ने खुद रिमूव किया, और अभी कितने लोगों पे कम्युनिटी गाइडलाइंस जाने वाली है, क्योंकि वो गंदी चीज है। तो ऐसा ना करिए, अगर आप क्रिएटर हैं अच्छी वीडियो बनाइए, समाज में मैं कह रहा हूँ आपको सफल होने में 2-4 साल लगेगा। हाँ और क्या, जल्दबाजी की सफलता मत। नहीं नहीं, कोई मतलब एक जैसे आज ही अगर आप किसान हो, किसान की तरह देखो, अगर आज आप गेहूँ छींटे हो, आज गेहूँ को आपने छींटा है तो कल गेहूँ फसल तैयार थोड़ी होगा, उसको भी टाइम लगता है फसल को तैयार होने में, तब फसल तैयार होती है, फिर उसमें फल लेता जो भी हो, तब उसके बाद पकती है, तब न कटता, तब खाने लायक होता है। इसी तरीका यूट्यूब है, जब आप छोटे से जीरो से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आगे तक साल 2 साल 3 साल यार लगेगा, इज्जत के साथ रहोगे, इज्जत के साथ काम करोगे। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब भैया जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भैया जी को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमें करने में क्या जा रहा था। चलो छोड़ो, जाने दो, जिसकी जितनी सोच होगी उसके पास उतना ही माइंड। सही बात है। शुरू से मैं लोगों को बताता हूँ, कंटेंट ऐसा बनाइए कि लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम ब्लॉग बनाते हैं, नहीं सफल होते हैं, उसका वजह है क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम हाय धुन दिन भर इसमें वीडियो ही नहीं रेलेंगे, ठीक है। अपने पास भी जिम्मेदारी है, अदर चैनलों पर भी काम करते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि हमारी दुकान, हम आते हैं सिर्फ आपके सामने अक्कू फैमिली ब्लॉग से, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अब हम आज खुल के बता देते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, जिसका ये है, ये चीज़ें हैं। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, ये चीज़ आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा। ये होता है जो वीडियो के माध्यम से बनाते हैं, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, वीलॉग। और ब्लॉग पोस्ट भी होता है लिखने वाला, तो हमको गूगल से भी पैसा मिलता है, लेकिन अदर कार्यों से, ये नहीं जैसे मर्जी वैसे उठाओ वीडियो लगो बनाने, ठीक है। आएगा चैनल, इस अप्रैल के बाद मई में हम एक नया चैनल डालेंगे, कहीं से कहीं भी नहीं शेयर करेंगे, तो आपको 3 महीने में हम उसको बड़ा चैनल बना के दिखा देंगे, वो भी कुकिंग चैनल होगा। लोग आ जाए हैं 2-4 महीने 2-4 साल पहले आए हैं, यही आए होंगे बहुत, कब 3-4 साल पहले। पता है आपको, 2014 से यूट्यूब मैं कर रहा हूँ, और 2007 से सोशल मीडिया पे जुड़ा हूँ, जब आर्कूट और याहू होता था, ठीक है। 2003 और 2004 में कंप्यूटर साइंस, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और कुछ पत्रकार आते हैं हमारा इंटरव्यू लेने। तो सुनो, पहले बात तो पत्रकार आप लोगों से सवाल था, बेशक लो, लेकिन अब मदद की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि कुछ पत्रकार के नाम पे चाटुकार आए थे, है ना, लेके भी गए थे तुम्हारा इंटरव्यू। हाँ सही बात है। ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट शेयर करो, ठीक है। आप जब आपको पास स्किल्स नहीं रहेगा, बोलने का ढंग नहीं रहेगा, उल्टे लोगों उल्टे सीधे लोगों का इंटरव्यू लोगे, तो वही कहोगे हमसे कम्युनिटी मनवाना है, तो हमसे नहीं होगा। आप कुछ संदेश दो समाज में अच्छे लोगों का, ठीक है, कुछ अच्छे लोगों का इंटरव्यू लो, हम करते हैं ना सब। हाँ, तो हम कमेटी मारते हैं जरूर मारते हैं। तो हमने कमेटी नहीं मारा तो हमारी वीडियो नहीं चले। अरे मत चलाओ यार, हम कौन सा बहुत बड़े स्टार हैं, इसीलिए हम सिर्फ अक्कू फैमिली ब्लॉग से ही आते। वैसे आपकी जानकारी के बताते हैं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ना, मेरी पूरी फैमिली ही यूट्यूबर है, लेकिन क्या करते हैं आपसे नहीं मतलब, हम हैं जितना है हम अपने। हाँ, लेकिन जो भी दर्शक हमको जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कभी समाज में गंदा गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर इसको तुम चापलूसी कहोगे तो ये चापलूसी बराबर करते रहेंगे, जैसे करेंगे तुमको मिर्ची लगेगी। हाँ,
एक बात है, मिर्ची नहीं लग रही है तो मतलब खूब बोल क्यों रहे, मिर्ची लग रही है ना किसी किसी को, जैसे अच्छी बात है बुरी लग रही इनके है। इनके खिलाफ अगर हम वीडियो बनाएंगे हाँ, तो इनकी इज्जत चली जाती है, चली जाएगी। और खुद साले जब आके कैमरे के सामने अपनी इज्जत उछालते हैं, नहीं नहीं वो इज्जत थोड़ी जाती है यार, वो तो बनी रहती है ना इज्जत साली। उल्टी सीधे शब्द भाषाओं का प्रयोग करते जो की भारतीय दंड संहिता में अपराध है। कोई अगर मेरे जैसा सख्त एक्शन ले लेना उसी दिन तुम लोग जेल चले जाओ। सही बात है, हम लोग तो सोचते जाने दो जाने दो, क्या है लोग हैं, इनको भी कमाने खाने दो, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा हद कर रखे हैं। अगर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ोगे ना, 3 दिन लग जाएगा बच्चा भेजे में नहीं आएगा, इतने सारे सख्त नियम। बस सिर्फ ये है कि कोई उस पर सख्त नहीं होता, नहीं तो एक दिन भी न चले तुम्हारा चैनल और तुम्हारी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, और बिना काटे छांटे हम ऐसे ही अपलोड करेंगे, क्योंकि हमको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी गलत शब्द कैमरे के सामने नहीं बोलते। कैमरे के सामने हो या कैमरे के बाद भी हम लोग गलत नहीं बोलते हैं, किसी को भी असब मतलब जिसको बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं। अब जिसको अच्छा ही बोलो उसको ही बुरा लगता है, तो अब क्या किया जाए, उनकी सोच ही वही होगी। तो देखिए दोस्तों, चाहे हमारे एक कम चाहे एक सब्सक्राइबर हमारे आए, चाहे आए ना चाहे पाँच ही हो, अगर हमारा एक कमेंट भी होगा ना वो भी 100 के बराबर होगा, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हमारी रोजी रोटी तो इससे चलती नहीं है फिलहाल, आप लोग जानते हैं, जो भी आ जाता है थोड़ा बहुत, पर हमारे सबसे मेन चीज़ है दुकान, इनका भी दुकान है मेरा भी दुकान है, हम लोग अपनी दुकान से फुर्सत पाते हैं, तब थोड़ा सा टाइम मिलता तब हम ब्लॉगिंग चालू मतलब ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, या वीडियो बना के डाल देते हैं। तो दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि हाँ यूट्यूब के जरिए इनका खर्चा चलने वाला है, फिलहाल ऐसी सोच ना रखें, क्योंकि हमारा खर्चा यूट्यूब से नहीं चलता है, और जो चलता है तो हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ डालते हैं। यूट्यूब का पैसा हम डालते हैं अमेजिंग आजमगढ़ के बच्चों की भविष्य के लिए हाँ। शिक्षा पे खर्च करते हैं, ताकि वो भविष्य जो आज की पीढ़ी है आगे चल के कुछ बने, अपने पैरों पे खड़े, उनको हौसला मिलता है कि अमेजिंग आजमगढ़ आए। अभी क्या कुछ हमारा मतलब, ये अप्रैल खत्म हो रहा है, मई जून के बाद करेंगे ना, तब जलना, क्योंकि बेटा ना उतनी ही रहोगे कुएं के मेढक की तरह, उदकते रहोगे, नहीं नहीं कुएं के मेढक की तरह ही रहोगे। और ज्यादा कितनी ना शिक्षा की जरूरत होती है, जो कि शायद है कि नहीं मिली, नहीं है आप लोग जब तक सुनो, ये ऐसा कंटेंट होता है जो तुम लोग बनाते हो, जब तक तुम्हारे पास शरीर रहेगी, ठीक ठाक दिखोगे, चेहरा हमारा जवानी रहेगी, तब तक चलेगा। अरे ऐसा करो यार कि मरने के बाद भी नाम करे इंसान। सही बात है, नाम बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर लोग नाम के लिए आते हैं, ठीक है, कुछ बदनाम होके नाम कमा रहे हैं। नहीं हमें तो नाम चाहिए, हमारा व्यू आए चाहे ना आए हमें उससे मतलब नहीं, हमारा एक ही कमेंट रहेगा, इज्जत का रहेगा और नाम का रहेगा, हमें वही बहुत है, क्योंकि हम नाम के लिए मरते हैं ना कि हम पैसों के लिए मरते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हाथ के ऐसे मैला है, आज है कल नहीं, अगर इज्जत चली जाएगी ना तो दोबारा नहीं मिलती है, और वो मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता, इसलिए हमें इज्जत चाहिए, और हम इज्जत के संग रहना चाहते हैं, चाहे हमारे 4 व्यू हैं चाहे 5 व्यू हैं, उससे हमें मतलब नहीं है दोस्तों। खाली जो भी हो बस मेरा प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप लोग जो कमेंट करते हैं इतना अच्छा कमेंट करते हैं, इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना आप लोग, कि हमारा हौसला बढ़ता है, बस आप ही इसी तरीके का सपोर्ट करिए हम लोगों को। हम तो किसी से ये भी नहीं कहते कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हाँ सब्सक्राइब नहीं कहती हूँ, कमेंट का जरूर बोलती हूँ कि दोस्तों आप लोग अपना कमेंट मतलब कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसे हमारी वीडियो लगती है, अच्छी लगती है बुरी लगती है, जो भी हो आप हमें बताइए, तभी उसी टॉपिक पर हम अपना मतलब वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो बस यहीं तक है, कल एक नई वीडियो सब फिर हमारी मुलाकात होती है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।